हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पर आने का। मैं आपका दोस्त संजय पासी। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि मेटल डिटेक्टर कैसे काम करता है। तो अगर आप दोस्तों मेटल डिटेक्टर खरीदने का प्लान बना रहे हैं या खरीद चुके हैं, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो दोस्तों, वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिएगा। और इस वीडियो में मैंने जो है हिंदी में भी और इंग्लिश में भी दोनों लैंग्वेज में जो है बता रखा हूँ, आप खुद भी जो है देख सकते हैं। दोस्तों, तो चलते हैं वीडियो की स्टार्ट करते हैं कि मेटल डिटेक्टर कैसे काम करता है। ये देखिए दोस्तों, जैसे कि इंग्लिश में भी और हिंदी में भी दोनों में मैंने ट्रांसलेट करके इसलिए बता रखा हूँ ताकि जिस जिन लोगों को इंग्लिश पता है वो इंग्लिश रीड कर सकते हैं, और ज़्यादातर लोग जो है इंडिया में हिंदी जानते हैं, तो इसलिए मैंने हिंदी में ट्रांसलेट किया है ताकि उन्हें कोई दिक्कत ना हो, आसानी से वो समझ सकें। हाँ, तो दोस्तों जैसे कि मैंने फर्स्ट पैराग्राफ है जो कि हाउ डू मेटल डिटेक्टर वर्क, मैंने इंग्लिश में भी जो है बता रखा हूँ दोस्तों। तो आप इंग्लिश में आप जो है वीडियो को रोक करके आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं इसे और समझ सकते हैं अगर आप इंग्लिश जानते हैं तो। अदरवाइज अगर आपको हिंदी पता हो तो दोस्तों मैंने हिंदी में भी जो है इस पैराग्राफ को ट्रांसलेट में करके आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है हिंदी में कि मेटल डिटेक्टर कैसे काम करता है। तो आप हिंदी में भी आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप आसानी से समझ सकते हैं दोस्तों। और जो आपको समझना है आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरा नंबर स्क्रीन पर शो हो रहा है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों मैंने इस पैराग्राफ में आपको बता रखा हूँ कि बैटरी का क्या रोल होता है, कंट्रोलर बॉक्स का क्या रोल होता है। तो मैंने सभी चीज़ों का बारीकी से जो है हिंदी में भी और इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करके बता रखा हूँ दोस्तों। तो मैं अभी आपको रीड करके पढ़ करके नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि क्या है कि अगर मैं पढ़ करके अगर आपको बताना स्टार्ट करूँगा दोस्तों तो काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा। तो इसलिए जो है अगर आप आसानी से आपको समझना है तो दोस्तों आप वीडियो को रोक रोक करके आप एक एक चीज़ को आप आसानी से आप पढ़ करके जो है आप समझ सकते हैं। और दोस्तों मैंने जो है इस पैराग्राफ में आपको बता रखा हूँ सर्च कॉइल के बारे में, कि सर्च कॉइल क्या होता है, वो कैसे काम करता है ज़मीन के अंदर। तो आप खुद आप देख सकते हैं, मैंने हिंदी में भी और इंग्लिश में भी इसी इसका भी जो है ट्रांसलेट कर चुका हूँ। और टारगेट आईडी क्या होता है, टारगेट आईडी का मतलब होता है दोस्तों कि हर एक मेटल का अपना एक नंबर होता है, एक आईडी होता है, जिससे कि जो है आप पता कर सकते हैं कि कौन सा मेटल हो सकता है। तो अगर वो आपके काम का है या नहीं है, हमें डिग करना है, खोदना है या नहीं खोदना है, उससे जो है टारगेट आईडी से हमें पता चल जाता है। तो आप आसानी से जो है उससे पता करके आप डिग कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, अब हम आपको बताने वाले हैं नेस्ट जो कि की डिटेक्शन के बारे में। हाँ दोस्तों, ये है फ्रिक्वेंसी जो कि मैंने इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में भी बता रखा हूँ। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब दोस्तों ये होता है कि जो है अगर जिस मेटल डिटेक्टर में फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होता है उसमें क्या होता है, जो छोटे छोटे जैसे नगेट हंटिंग करना है, कॉइन हंटिंग करना होता है, तो उनके लिए सबसे बढ़िया होता है। और अगर आपको जैसे ज़्यादा गहराई के लिए सर्च करना है तो उसके लिए कम फ्रीक्वेंसी वाली जो मशीनें होती हैं, जैसे कि 7-8 किलोहर्ट्स की है, 10 किलोहर्ट्स की है, 12 किलोहर्ट्स की है, 13 किलोहर्ट्स की फ्रीक्वेंसी है, वो सही रहता है। तो अगर आपको ज़्यादा गहराई तक सर्च करना है तो उसके लिए कम फ्रीक्वेंसी वाली मशीन लेने के लिए सबसे अच्छा होता है। तो नेक्स्ट फंक्शन होता है ग्राउंड बैलेंस। तो ग्राउंड बैलेंस का मेन फंक्शन होता है दोस्तों मेटल डिटेक्टर मशीनों में, क्योंकि ग्राउंड बैलेंस अगर आप नहीं बनाते हैं तो मेटल डिटेक्टर जो है ज़्यादा आवाज़ करता है, साउंड ज़्यादा करता है, और जो है जो छोटे छोटे मेटल्स मेटल के कण होते हैं, मिनरल्स जिसे बोलते हैं, और बहुत तरह के मतलब कि ज़मीन के अंदर मेटल के तत्व तो होते हैं, मिक्स होते हैं, तो दोस्तों वहाँ पर जैसे कि मतलब कि मशीन बहुत ज़्यादा किचकिचाने की आवाज़ करने लगती है, तो उसे जो है आवाज़ को बंद करने के लिए ताकि आपको अच्छा सिग्नल मिले और मेटल डिटेक्टर जो है ज़्यादा गहराई तक काम करे, तो उसके लिए होता है ग्राउंड बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर मतलब कि तीन प्रकार के जो है मशीनें होती हैं, जैसे कि किसी में मैनुअल ग्राउंड बैलेंस बनाने का फंक्शन होता है, किसी में ऑटोमेटिक ग्राउंड बैलेंस बन जाता है, और किसी में ट्रैकिंग ग्राउंड बैलेंस होता है दोस्तों। तो मशीन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सा मशीन है, ठीक है। बाकी काम तो सेम ही करता है मशीनें, चाहे जो भी हो, चाहे मैनुअल ग्राउंड बैलेंस बनाना हो, चाहे ऑटोमेटिक जो ग्राउंड बैलेंस बनता है या ट्रैकिंग ग्राउंड बैलेंस है, तो वो जो है डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सी मशीन है, उसके आधार पर जो है ग्राउंड बैलेंस बनाया जाता है, ठीक है। हाँ तो दोस्तों अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ डिस्क्रिमिनेशन मोड के बारे में। डिस्क्रिमिनेशन मोड का फंक्शन ये होता है दोस्तों कि जैसे कि मेटल को डिस्क्रिमिनेट करने के लिए, मतलब कि अलग अलग करने के लिए, कि फेरस है,
मेटल कौन सा है, नॉन फेरस मेटल कौन सा है। फेरस का मतलब होता है जैसे लोहा हो गया, कूड़ा करकट हो गया, जैसे बहुत तरह के धातु मिक्स होते हैं जमीन के अंदर जो मतलब कि हमारे लायक नहीं होते हैं, ठीक है। और नॉन फेरस में जैसे कि सोना, चांदी, तांबा, पीतल ये सब हो जाता है। तो उसे जो है अलग करने के लिए आप जो है अलग करके आप पता कर सकते हैं कि कौन सा मेटल हो सकता है, और वो आपको मतलब कि अगर वो आपका वैल्यूबल आइटम है तो आपको डिगिंग करना है या नहीं करना है, वो आप डिस्क्रिमिनेशन मोड के फंक्शन से आप आसानी से पता कर सकते हैं। और इसमें जो है चार तरह से जो है आप पता कर सकते हैं डिस्क्रिमिनेशन मोड में। कुछ ऐसे मशीनें होते हैं जिसमें कि जैसे कि लोहा बंद कर सकते हैं, या और भी मतलब कि ट्यूनिंग वाइज पता करना हो तो ट्यून के हिसाब से भी आप पता कर सकते हैं। तो जो है ये होता है डिस्क्रिमिनेशन मोड का फंक्शन। हाँ तो दोस्तों अब ये फंक्शन है डिटेक्शन डेप्थ फैक्टर्स। तो दोस्तों काफ़ी लोगों का सवाल ये होता है कि जो है सर मेटल डिटेक्टर कितने गहराई तक सर्च कर सकता है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मेटल डिटेक्टर का जो गहराई होता है, जो डेप्थ होता है, वो डिपेंड करता है कि जो भी मेटल डिटेक्टर आपके पास है या आप खरीदना चाहते हैं उसके कॉइल के ऊपर डिपेंड करता है। कॉइल मतलब जो प्लेट होता है जो मेटल डिटेक्टर का, उसके आधार पर डिपेंड करता है कि मेटल को कितने गहराई तक जो है सर्च कर सकता है, वो कितने गहराई तक जो है कैच कर सकता है, ठीक है दोस्तों। अगर छोटी कॉइल है तो वो ज़्यादा गहराई तक नहीं जाएगा, अगर बड़ी कॉइल है तो ज़्यादा गहराई तक सर्च करता है। और ये भी होता है दोस्तों जैसे कि क्या होता है, कई तरह के एरिया होते हैं, जैसे कि कहीं पर काली मिट्टी होती है, कहीं पर मिनरल एरिया होता है, कहीं पर लाल मिट्टी होती है, बालू मिट्टी है, कई तरह के मतलब कि कंकड़ पत्थर वाला भी एरिया है, मिनरल्स एरिया है। तो अगर जैसे कि अगर मिनरल एरिया है, कंकड़ पत्थर वाला एरिया है, तो इस टाइप कि अगर आपके यहाँ एरिया है दोस्तों तो वहाँ पर क्या होता है कि जो है डेप्थ हाफ हो जाती है। हाँ तो दोस्तों अगर जैसे कि ग्राउंड मिनरलाइजेशन है यहाँ पर, तो जैसे कि अगर कहीं पर क्या होता है कि अगर कि लो मिनरल्स एरिया है, मतलब कि जहाँ पर कम मिनरल वाले एरिया हैं, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा गहराई तक जो है मशीन डेप्थ देगी और वो ज़्यादा गहराई तक सर्च कर सकता है। और जहाँ पर मतलब कि हैवी मिनरल्स एरिया, जहाँ पर मतलब ज़्यादा मिनरल वाले एरिया हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि आपको डेप्थ कम मिलता है, क्योंकि ऑलरेडी मेटल के तत्व तो उसमें मिक्स होते हैं और मशीन वो फालतू की थोड़ा ज़्यादा आवाज़ करने लगती है। तो इसलिए जो है दोस्तों अगर हैवी मिनरल्स एरिया में अगर आप काम कर रहे हैं तो वहाँ पर ज़्यादा डेप्थ आपको नहीं मिलने वाली है। अगर कम मिनरल एरिया है, प्योर मिट्टी है, तो वहाँ आपको जाहिर सी बात है वहाँ पर आपको ज़्यादा गहराई तक जो है डेप्थ मिलेगा। हाँ तो दोस्तों टारगेट साइज के बारे में और टारगेट शेप के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। टारगेट साइज जैसे कि मेटल के ऑब्जेक्ट के ऊपर ही जो है डेप्थ तो डिपेंड करता है। अगर छोटा मेटल है, स्मॉल साइज का अगर कोई मेटल है, तो ज़्यादा गहराई तक नहीं जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं जो डॉलर है एक कॉइल है ऊपर का, और नीचे जैसे छोटा कॉइन है, तो अगर जो है अगर छोटा कॉइन ज़्यादा गहराई में रहेगा तो फिर नहीं कैच कर पाएगा, लेकिन अगर बड़ा कॉइन है वो ज़्यादा गहराई में तो कैच कर लेता है। इस तो उसी तरह जैसे कि अगर कोई भी मेटल है छोटा है तो वो ज़्यादा गहराई तक नहीं सर्च कर सकता है, लेकिन अगर बड़ा है किसी चीज़ में रखा हुआ है तो उसे ज़्यादा गहराई तक सर्च करता है। और हाँ जैसे कि ये है, जैसे कोई अगर चीज़ जैसे उसकी लंबाई है, चौड़ाई नहीं है, ठीक है, जैसे कि ये कील है, ठीक है, तो इस मामले में भी जो है आपको ज़्यादा गहराई नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका तो जो है सिर्फ ओनली लंबाई है, लेंथ है, विड्थ तो है ही नहीं, उसकी चौड़ाई नहीं है। तो अगर कोई भी मेटल जमीन के अंदर है तो उसका लंबाई और चौड़ाई दोनों होना चाहिए, तो उसी के आधार पर जो है डेप्थ तो डिपेंड करता है। और हाँ दोस्तों जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है टारगेट ओरिएंटेशन और टारगेट मटेरियल, ठीक है दोस्तों। तो ये डिपेंड करता है दोस्तों, जैसे कि अगर कोई मान लीजिए अगर मेटल है, सपोज दैट क्वाइन है, जैसे कि ये आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है पिक्चर्स, आप देख सकते हैं कि अगर कोई क्वाइन है वो हॉरिजेंटल है, कॉइन है मतलब कि अगर फ्लैट है, ठीक है, तो वो ज़्यादा गहराई तक कैच करेगा, लेकिन अगर वो वर्टिकल है, खड़ा है, रखा हुआ है, तो वो ज़्यादा गहराई तक नहीं सर्च कर पाएगा, क्योंकि जो है उसका साइज बहुत पतला हो जाता है इसलिए, ठीक है। अगर वो फ्लैट है तो उसका साइज चौड़ा है, उसका लंबाई चौड़ाई दोनों जो है मिल जाता है बराबर, तो इसलिए उसकी फ्रिक्वेंसी अच्छे से कैच करती है, ज़्यादा गहराई तक कैच कर सकता है। और जैसे कि अगर कोई चमकदार धातु होती है, तो दोस्तों अगर कोई चमकीला धातु जैसे सॉरी चांदी है, सिल्वर है, ठीक है, या स्टील है, वो ज़्यादा चमकदार धातु होते हैं, तो उससे जो है ज़्यादा गहराई तक मशीन कैच करती है।
ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और अगर आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों प्लीज़ लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा, हो सके तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि मैं नए नए वीडियो हमेशा लाता रहता हूँ, उसका अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर के आते हैं, तो तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, बाय।